बात कर रहे हैं। बढ़ाने का सवाल हो, नए नए अस्पताल बनाने का सवाल हो, कोविड केयर सेंटर खोलने का सवाल हो, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आज कोविड के 63,000 से ज्यादा अस्पतालों में बिस्तर हम लोगों ने किए हैं, जिसमें ऑक्सीजन बेड आईसीयू बेड भी है और लगातार संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। बीच में ऑक्सीजन का अभूतपूर्व संकट पैदा हुआ था, लेकिन अब आपकी अपने यहां ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त है। एयरफोर्स के विमानों से खाली टैंकर भेजना और ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने से लेकर जितने प्रयोग हो सकते थे सब हमने किए। ऑक्सीजन हो, दवाइयां हो, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या हो, लगातार हमारी कोशिश जारी है कि अधिकतम व्यवस्थाएं हम अपने भाई बहनों बेटे बेटियों के लिए कर पाएं, ताकि इलाज में कोई दिक्कत ना हो। एक तरफ इलाज की बेहतर व्यवस्था, दूसरे में कहना चाहूंगा इस माध्यम से कि संक्रमण को बढ़ने से रोकना है तो एकमात्र तरीका जो सबसे प्रभावी है विश्व में, सारे वैज्ञानिकों ने हमको कहा, संक्रमण की चेन तोड़ना है, मिलना जुलना रोकना है, भीड़ इकट्ठी होगी, एक दूसरे से मिलेंगे तो ये तेजी से फैलेगा। या पहले तो ये कहते थे ड्राफ्ट से फैलता है, किसी ने खांसा, किसी ने छींका, अब तो कई तरह की चीजें आ रही कि जो नया वेरिएंट है वो हवा में ज्यादा देर तक रहता है, इसलिए हवा के जरिए भी फैल सकता है, इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। और इसलिए हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा कर्फ्यू, कड़ाई से इसका पालन करना है ताकि संक्रमण की चैन हम तोड़ पाए। इसमें तेजी से हम सब लोग मिलकर लगे हुए, बिना समाज के सहयोग के नहीं हो सकता है। तो संक्रमण की चैन तोड़ने का काम, इसलिए कोरोना कर्फ्यू का प्रभावशाली ढंग से पालन, मैं अपने भांजे भांजियों से यह जरूर कहूंगा कि अभी शादी वादी टालने का फैसला किया है, इस संक्रमण के दौर में सबसे तेज गति से फैलती है, इसलिए जब तक इसको थाम ना लें, जल्दी थाम लेंगे, क्योंकि मध्यप्रदेश में अब बढ़ती हुई दर संक्रमण की रुक गई है, पॉजिटिव पेशेंट्स अब या तो स्थिर हो गए या कम आ रहे हैं, और डिस्चार्ज होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, तो जल्दी काबू में लाएंगे इसको। एक, संक्रमण की चेन तोड़ना, दूसरा हमने मरीजों को होम आइसोलेशन की व्यवस्था, कोविड केयर सेंटर, एक किल कोरोना अभियान टू चलाया जिसमें गांव गांव में हमने टीमें भेज दी है कि कहीं अगर संक्रमित है, मतलब संक्रमित टेस्ट के बाद नहीं मानेंगे, अगर सर्दी खांसी बुखार जुकाम कुछ भी है तो तुरंत उसको किट दे देना, ताकि उसका इलाज प्रारंभ हो जाए और संक्रमण फैल ना पाए। एक बात मैं कहूंगा कि इससे अगर गंभीर रूप से कोई बीमार होता और मौत होती है तो वो लापरवाही के कारण, कई दिन तक बताया नहीं, घर में बैठे रहे, सर्दी जुकाम बुखार है, घर में ही ठीक हो जाएंगे, तब तक ये लंग्स में चला गया, अगर लंग्स में अगर ये चला गया तो कठिनाई पैदा करता है, हम लोग जानते हैं। और इसलिए हमने तय किया गांव-गांव में सर्दी जुकाम बुखार किसी के भी अगर पेशेंट है तो तुरंत उनको पहचानना, घर घर सर्वे करके उनको मेडिकल किट देना, दवाई शुरू कर देना, टेस्ट करवाना, वो अनेकों उपाय जारी है। घर में भी होम आइसोलेशन के लिए जगह नहीं है तो फिर कोविड केयर सेंटर में भर्ती करें, या कई पंचायतों में अब हमने अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर भी बना दिए कि स्कूल में या पंचायत भवन में रुकवाने की व्यवस्था करें, वो सारे प्रयास हमारे जारी रहेंगे। लेकिन एक प्रभावशाली तरीका है इससे बचने का, और वो है वैक्सीनेशन। हम तीनों उपाय करेंगे, संक्रमण की चेन भी तोड़ेंगे, इलाज की व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन तीसरा है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। मध्य प्रदेश में 45+45 साल से ज्यादा उम्र के हमारे जो भाई बहन थे उनके टीकाकरण का अभियान जारी है, लगभग 82 लाख लोगों को टीका लगाए जा चुके हैं, वो टीकाकरण का अभियान लगातार जारी रहेगा। हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी हमारी पूरी पॉपुलेशन को हम कवर कर लें, वैक्सीनेशन अगर हो कि वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, छूके निकल जाएगा, एक नहीं अनेकों देशों का अनुभव ये बताता है। और इसलिए
हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वैक्सीनेशन अगर हमने करा लिया तो इस संकट से बचने का एक प्रभावी हथियार हमारे पास हो गया। और इसलिए आज से हमने हमारे युवा बेटे बेटियों का 18 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है 18 से 44 उनके वैक्सीनेशन का अभियान प्रारंभ हुआ है। आज एक जिले में एक एक शत्रु आए, कल से इन शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी, लगातार हम शत्रु भी बढ़ाते जाएंगे, संख्या भी बढ़ाते जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक अनुमान है कि हमको लगभग 5,16,00,000 डोजेज की जरूरत पड़ेगी। हमने कंपनियों को 5,16,00,000 डोजेज के ऑर्डर दिए हुए हैं। इस महीने हम 9,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाएंगे, जितना कम, क्योंकि मैं लगातार कंपनियों के संपर्क में हूँ और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मिल जाए तो हम तेज़ी से अपने बच्चों को वैक्सीन लगा पाए। अब तक जो मेरे पास जानकारी है, कंपनियों से जो चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, हमने अति आग्रह किया है तो हमको 9,00,000 डोजेज तो इस महीने में मिलना सुनिश्चित है। तो 1,50,000 डोजेज तो हम लगा देंगे 15 मई तक और बाकी 9,00,000 तक हम पहुंच जाएंगे 15 से लेकर 30 मई के बीच में। तब तक हमारी कोशिश जारी रहेगी कि और डोजेज हमको प्राप्त हो, लगातार प्राप्त होंगे, निरंतर प्राप्त होंगे, वो हम प्राप्त करते रहेंगे और अपने बच्चों को ये डोजेज वैक्सीन के देते रहेंगे ताकि वो सुरक्षित रह सके। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो दो कंपनियां हैं जिनको हमने ऑर्डर दिए हैं उनके अतिरिक्त भी भारत सरकार के सहयोग से अगर विदेशी कंपनियों से भी हम चर्चा कर रहे हैं, अगर उनसे भी डोजेज हमको मिल पाए उपयुक्त वैक्सीन के, तो वो डोजेज भी प्राप्त करके हम अपने बच्चों को लगाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को वैक्सीन का सुरक्षा चक्र हम उपलब्ध करा दें। मैं भी दिन और रात उस प्रयास में लगा हूँ, मेरी टीम भी दिन और रात उस प्रयास में लगी है। लेकिन एक दो बातें मैं और कहना चाहता हूँ। नंबर एक, वैक्सीन हमने लगवा ली तो केवल एक डोज नहीं, 4 से 6 हफ्ते के बीच में दूसरे डोज की भी आवश्यकता है, उसकी जानकारी भी, उसकी सूचना भी आपको दी जाएगी। तो जब दूसरा डोज लगने का नंबर आए तब कोई लापरवाही ना करे, नंबर एक। नंबर दो, आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, वैक्सीन लगवाने के लिए भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। सबको लगेगा, मेरे बेटा बेटियों, कोई को हम नहीं छोड़ेंगे, सबको लगेगा, निशुल्क लगेगा। जो भी लागत आएगी मध्य प्रदेश सरकार अपने खजाने से उन कंपनियों को पैसा देगी, वो हमने ऑर्डर प्लेस भी कर दिया है, पैसा देना शुरू कर दिया है, तो सबको निशुल्क लगेगा। लेकिन वैक्सीन लगवाने हम तभी आए जब हमें बुलाया जाए, पोर्टल पर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसके बाद जैसे ही हमारा नंबर आता है हम आएँ और वैक्सीनेशन सेंटर पे, क्योंकि हमने तय किया अस्पताल में नहीं लगवाएंगे, इस समय अस्पताल में लगाना तो खतरे से खाली नहीं है, स्वास्थ्य कर्मियों को भी दिक्कत होती है, और इसलिए हमने तय किया कि स्कूल में, कॉलेज में और किसी भवन में वहाँ वैक्सीन के सेंटर बना रहे हैं। तो वहाँ आना है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगा के आना है, पर्याप्त सावधानी रखना है, तो वो सावधानी जरूर रखना है, कोई हड़बड़ की जरूरत नहीं है, सबको लगेगी। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है, दूसरा डोज भी हमको लगवाने का ध्यान रखना है। और आप ये मत समझना कि वैक्सीन लग गई तो हम अब पहलवान हो गए, अब हमें कुछ हो ही नहीं सकता, वैक्सीन के बाद भी मैंने बताया कि हो सकता है, और इसलिए सावधानी पूरी रखनी है, मास्क, डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना। और एक बात और, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद कुछ लोगों को हल्का बुखार उखार आता है, वो भी जो मेरी जानकारी बहुत बड़ी संख्या में नहीं आता, किसी किसी को आता है, उसके लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी पैरासिटामॉल जैसी दवाई दी जाएगी, दी गई होगी, जरूरत पड़ेगी तो दी जाएगी। लेकिन दुनिया भर ये कहती है कि वैक्सीन लगने के बाद हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम इसका मुकाबला करने में सक्षम हो जाते हैं, जैसा मैंने पहले कहा। इसलिए मेरे बेटा बेटियों, आपने वैक्सीन लगवाया है, आप बाकी को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करना। कुछ ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन के बारे में भ्रम फैला रहे हैं, मैं जानता हूं कई जिलों में वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन लगेगी तो वैक्सीन लगने के बाद मर जाएंगे, फलाना होगा, ये लोग समाज के दुश्मन हैं।
जो इस तरह का कुप्रचार कर रहे हैं, अप्रचार कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों से ये भी कहना चाहता हूं कि आप निर्भय होकर बताइए, हमने वैक्सीन लगाई है, वैक्सीन का फायदा है, आप भी जब नंबर आए तो वैक्सीन जरूर लगाइए, क्योंकि वैक्सीन का सुरक्षा चक्र अगर हमने बच्चों को उपलब्ध करा दिया, अपने बहनों और भाइयों को उपलब्ध करा दिया, तो बड़ी सुरक्षा कोरोना से बचने के लिए हमको मिल जाएगी। और इसलिए आज जिन बेटे बेटियों को प्रारंभिक तौर पर, क्योंकि आज पहला दिन था इसलिए एक जिले में एक ही सत्र रखा गया था, आज जिनको वैक्सीन लगी है उनको मैं बधाई देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आवश्यक सावधानी रखेंगे और समाज को भी प्रेरित करेंगे, आप कोरोना वॉरियर्स बन जाओ, आपने वैक्सीन लगाई, आप दूसरों को भी प्रेरित करो, और जब तक ये संक्रमण समाप्त ना हो जाए मेरे बच्चों, सबसे ये कहो कि हमको कोरोना कर्फ्यू का पालन करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, अपने आप को सुरक्षित रहना है। प्रारंभिक लक्षण अगर आ जाए तो फिर तत्काल बताना है, छुपाना नहीं है, नहीं घर में ही बैठे रह के सर्दी खांसी है कुछ नहीं होगा, तत्काल बताना है, मेडिकल किट जो दिया जा रहा है उसकी दवाई लेना है, ये भी जागरूकता आपको फैलानी पड़ेगी। और ये जागरूकता भी आप पूरे समाज में पैदा करने की कोशिश करें कि सावधान रहिए, कोई अभी शादी नहीं, विवाह नहीं, आयोजन नहीं, उत्सव नहीं, कोरोना ऐसा युद्ध है कि जिससे घर रह के लड़ा जा सकता है, बाहर निकल के नहीं लड़ा जा सकता। और इसलिए मेरे प्रिय बेटा बेटियों, आपको बधाई, साथ में ये आह्वान भी कि आओ मेरे बच्चों, हम सब मिलकर इस कोरोना से लड़ें। अकेली सरकार नहीं लड़ सकती, अकेला प्रशासन नहीं लड़ सकता, पूरा समाज उठ के खड़ा हो जाए इस महामारी के खिलाफ, और जागरूकता पैदा करके हम इस महामारी का मुकाबला करते हुए इसको समाप्त करें। किल कोरोना अभियान में गांव गांव में सर्वे करके जहां कोरोना वहीं दबोचेंगे उसको, वहीं कंटेन करेंगे, वहीं इलाज करेंगे और वहीं खत्म करेंगे उसको। हम जीतेंगे, मानवता जीतेगी और कोरोना हारेगा। मेरे सभी बच्चों को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाश अब चर्चा कर लें। सागर जिला मुझे दिखाई दे रहा है, गोविंद सिंह जी भी सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। शीतल, शीतल है, शीतल बेटी जुड़ी हुई क्या? शीतल आप तो, नमस्ते बेटी, आपको वैक्सीन लग गई? अभी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है उसका? नहीं, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आपको वैक्सीन के बाद ये कहा गया था कि 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखना है, यहीं पे बैठो? शीतल तो कोरोना वॉलंटियर बन गई, अब हमको हर एक को वॉलंटियर बनना पड़ेगा, तब इसका मुकाबला हो सकता है। अच्छा, कोविड के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन में आपको कोई समस्या तो नहीं आई? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। पोर्टल पे जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो हर एक को वॉलंटियर बनना पड़ेगा, तब इसका मुकाबला हो सकता है। अच्छा, कोविड के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन में आपको कोई समस्या तो नहीं आई? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। पोर्टल पे जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद भी कहीं कोई किसी ने कहा तो नहीं है टीका केंद्र पे कि अब इसके पैसे लगेंगे या कुछ दे दो, या कोई दिक्कत और परेशानी कुछ तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं हुई। अभी कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज हमें ये मौका मिला कि हम जहाँ वैक्सीन लगाने का मौका मिला, क्योंकि यदि अस्पतालों में और कहीं जाते तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि वहाँ मरीज भी है और अदर मरीज है, ये नहीं कह रहे पता नहीं कौन कैसा है, बट स्कूलों में या कॉलेज में जो लग रहे हैं वहाँ से टीका करा पा रही है, इस वजह से हम सबको ये बात की बहुत खुशी है। आपको वैक्सीन कहाँ स्कूल में लगी है? जी सर।
चलिए बेटी, आपको बहुत बहुत बधाई, आप स्वस्थ रहें, कोरोना वॉलंटियर बने और बाकी को भी प्रेरित करें, संक्रमण से बचाने के लिए भी और वैक्सीन लगवाने के लिए भी। अपनी बेटी को और बाकी सब मित्रों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपने बोला था कि स्लॉट बुक होता, नाम आता सेंटर पे, मैं सेंटर पे मुझे 8 बजे से लगा हूँ, सेंटर खुला नहीं था। गोविंद जी जरा देखेंगे क्या मामला है, जरूर देखेंगे। अब हमारे क्या बेटा आपको लगी वैक्सीन? बेटा आपको लगी वैक्सीन? कैसा लग रहा है अभी, कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं सर, अभी अच्छा महसूस हो रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये वैक्सीन लगने के बाद जब लग रही थी, सुई बहुत बड़ी दिखती है, तो देख के डर तो नहीं लगा? तकलीफ भी नहीं हुई? अच्छा, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आसानी से हो गया था? अच्छा, आप बाकी सबको क्या संदेश देंगे? दूसरा मेरा ये आग्रह और है बेटा, आप और आपके माध्यम से सबसे, के संक्रमण की चैन भी तोड़ना है और दूसरे समाज को जागृत भी करना है कि गांव में भी अगर कोई सर्दी जुकाम बुखार है तो बिल्कुल एक मिनट भी ना छुपाए, तत्काल सामने आए ताकि इलाज की व्यवस्था की जा सके। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हाँ आकाश, अगले जिले। हाँ सर, इसके बाद जबलपुर से शुभम बम्मी। शुभम जबलपुर से। हेलो सर। शुभम कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ सर। वैक्सीन लग गई आपको? यस सर। वैक्सीन लगते समय कोई तकलीफ हुई? नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत इजीली हो गया सब कुछ। डर भी नहीं लगा? नहीं सर। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर अच्छा महसूस कर रहे हैं, मोर कॉन्फिडेंट। अच्छा, ये प्रेरणा वैक्सीन लगानी चाहिए कैसे आई आपके मन में? सर ये जब आपने 45 प्लस का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जब इसके लिए आगे आए, तो हमने अपने पेरेंट्स को भी लगवाया सबसे पहले, उनके भी दोनों डोज कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनको भी कोई सिम्टम नहीं थे और हमें सबको पता है कि इसके लगाने से अगर हमको बाद में कोविड होता भी है तो उतना सीवियर नहीं होगा और हमको पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं, तभी हम जो अभी सेकेंड वेव आई है उससे हम लड़ सकते हैं। तो ये पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? नहीं सर, बहुत इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैसेज आपको समय पे मिल गया था आने का? यस सर। आप अब समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं वो खुद तो वैक्सीन लगवाएं, प्लस उनके आसपास में जो भी लोग हैं जो बोलते हैं कि वैक्सीन के बाद कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं ये मत लगाइए, मतलब लोगों को भ्रम करते हैं कि आप वैक्सीन लगवाने मत जाइए, बट ये सब गलत है, बिकॉज मैंने मेरे पेरेंट्स को भी लगवाई है और मैंने भी लगाई है, तो इसका बल्कि फायदा ही है, कोरोना से ज्यादा नुकसान है एज प्लस वैक्सीन से आप बच सकते हैं, तो आप मैं सबको बोलना चाहूंगा कि आप आगे आए वैक्सीन लगवाएं और अपने आसपास वालों को भी प्रेरित करें वैक्सीन के लिए। बहुत अच्छे बेटा, मैं आपसे ये भी कहूंगा शुभम के आप अपने सोशल मीडिया पे भी इसको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके डालिए और बाकी अपील कीजिए सबसे के जैसे नंबर आए सब वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश वैक्सीन के बारे में करते हैं, तो हमको उस भ्रम को साफ करके समाज को पूरी तरह से सुरक्षित करना पड़ेगा। आपको बधाई। थैंक यू सर। जबलपुर में शुभांगी भी हैं सर, शुभांगी से बात करना चाहेंगे सर। कैसे हो शुभांगी बेटी? सर मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस अभी तो अपन जूझ रहे हैं कोरोना से, कैसे भी इसको खत्म करना है क्योंकि मानवता का दुश्मन है और एक बड़ी लड़ाई है और उसके कई आयाम है, तो सब तरफ लड़ना पड़ेगा, एक तरफ संक्रमण की चेन तोड़ना पड़ेगा, तो एक तरफ इलाज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन वैक्सीनेशन भी हमको करना पड़ेगा। तो अब वैक्सीनेशन का काम आज प्रारंभ हुआ है और मध्य प्रदेश में लगातार अब ये जारी रहेगा, हर सप्ताह 4 दिन
वैक्सीनेशन होगा, हमारे युवाओं को वैक्सीन लगेगी। आपको कैसा लग रहा है वैक्सीन लगने के बाद? सर बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है। अच्छा, ये इसमें कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट नॉर्मल है, वेरी नॉर्मल। आधा घंटे आप ऑब्जर्वेशन में बैठे थे? हाँ जी सर। तब कोई प्रॉब्लम नहीं आई कहीं से? नहीं नहीं अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब नॉर्मल, सब नॉर्मल है। रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आई या और कोई समस्या आपको आई वैक्सीन लगवाने में? नहीं सर कोई रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है, इजीली रजिस्ट्रेशन हुआ, तुरंत ही मैसेज आया, उसके बाद भी फॉलो अप कॉल भी आया कि आपको टाइमली पहुंचना है वैक्सीनेशन के लिए। इससे किसी ने पैसा वैसा तो नहीं मांगा वैक्सीन के लिए? नहीं सर कुछ नहीं मांगा। क्योंकि ये निशुल्क निशुल्क लगनी है, कंपनियों को सीधा जो भी पेमेंट करना होगा राज्य शासन करेगा। अब इतना मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि जहाँ टीका आपको लगा वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के पालन की व्यवस्था थी? यस सर प्रॉपर प्रॉपर सोशल डिस्टेंस। भारी भीड़ तो इकट्ठी नहीं हुई वहाँ? नहीं नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वेरी गुड, ठीक है। शीतल अब आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? शुभांगी, हाँ शुभांगी बेटी क्या समाज को मैसेज? हाँ जी हाँ जी, मैं यही बोलना चाहूंगी कि सब लोग वैक्सीनेशन लगवाएं, और अब गवर्नमेंट हमें 18 प्लस के ऊपर दे रही है, आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, यंगस्टर्स के लिए भी, कि सब लोग टाइमली जाके वैक्सीनेशन कराएं, और ये हमें हेल्प करेगा ताकि हम कोरोना से फाइट कर सके और अपने देश को आगे बढ़ा सके। बहुत इम्पोर्टेंट है सेफ्टी सबके लिए। यंगस्टर्स से मेरा एक और कहना है कि आपको अनुशासन में रहना है। मैं जानता हूं कि हम यूथ हैं, घर में रहना और अकेले रहना कितना कठिन काम है मैं जानता हूं, लेकिन ये समय जब तक हम कोरोना कर्फ्यू लगा के रखें तब तक हमको अनुशासन का पालन करना पड़ेगा अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, बाकी सबकी सुरक्षा के लिए। और इसलिए जबलपुर में भी आप बैठे हैं तो जबलपुर में सबसे अपील करना आप, हालांकि जबलपुर में आप बढ़ते हुए केसेस कम हो रहे हैं लेकिन फिर भी अभी घरों से नहीं निकलना है, कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होना है, सुरक्षित रहना है और कोरोना कर्फ्यू का पूरा पालन करना है। बेटी शुभांगी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप कोरोना वॉलंटियर बन जाए, बाकी को भी प्रेरित करने की कोशिश करें। ऑन कैलेंडर सर, इसके बाद सर जिला उज्जैन से सर अपूर्व देवड़ा हमसे जुड़े हुए हैं। सर उज्जैन से अपूर्व देवड़ा,